भोपाल से अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां बोरवेल में बच्चे के गिरने के मामले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के कलेक्टर्स को निर्देश है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, ऐसी घटनाओं पर ध्यान दे कलेक्टर्स। कलेक्टर अपने जिले में अभियान चलाएं, खुले बोरवेल को अभियान चलाकर बंद किया जाए। तो देखिए, ऐसी घटनाएं बार बार निकलकर सामने आ रही हैं और अब मुख्यमंत्री इसको लेकर गंभीर भी दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि ऐसी घटनाओं पर कलेक्टरों को ध्यान देना चाहिए और अभियान चलाकर ऐसे बोरवेल जो खुले हुए हैं उनको बंद करवाना चाहिए। अभिवेक हमें और भी जानकारी दे देंगे, हमारे साथ बने हुए हैं। बोरवेल में बच्चों के गिरने की घटना है जो मध्य प्रदेश से कभी ना कभी एक हम देख रहे हैं, महीने में दो चार ऐसी घटनाएं सामने आई जाती हैं जो बड़े पैमाने पर उन पर मिशन भी चलाया जाता है। हाल ही में जो घटना आई थी उसमें तो बच्चे को बचाया भी नहीं जा सका था। ऐसे मामलों में गंभीर दिख रहे हैं मुख्यमंत्री? देखिए पारुल, कल आपने देखा होगा कि मोहन कैबिनेट की बैठक हुई, मोहन सरकार के कुछ निर्णय लिए गए, खुले में मास्क नहीं बिकेगा, लाउड स्पीकर बंद किए जाएंगे, तेज ध्वनि से बचते हैं। लेकिन ये फैसले 2019 के हैं और इस पे राज्य सरकार को अमल पर लाने के निर्देश दिए गए थे। पूर्व की सरकार में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, उन्होंने भी ठीक ऐसे ही निर्णय लिए। सवाल इस बात का है कि आदेश, नियम, कायदे, कानून बना दिए जाते हैं, यहाँ तक कि आज जो फैसला लिया गया कि खुले में बोरवेल नहीं होंगे, इसके लिए एक ऑर्डिनेंस तक गृह विभाग की तरफ से आया, एक फरमान तक सभी कलेक्टरों को जारी किया कि खुद वो जाके बावड़ी से लेके कुएं और जो खुले में बोरवेल है उनको बंद कराएंगे। तहसीलदार से लेके पटवारी तक की जिम्मेदारी दी गई कि वो क्षेत्र में जाके आकलन करें कि आखिर कहाँ पे बोरवेल है और क्या स्थिति है, क्या वो खुले में है तो उन्हें तुरंत बंद कराया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी कई ऐसी घटनाएं मध्य प्रदेश में हुई है जिसमें बच्चे बोरवेल में गिरे हैं और उनकी मौत हुई है। आज भी जब समीक्षा हुई, क्योंकि पिछले ही दिनों ये देखने के लिए मिला कि एक बच्चा बोरवेल में गिर गया था और खुदाई के बाद जब वहां तक पहुंचा गया करीब 20 फीट की खुदाई के बाद तो बच्चे की मौत हो चुकी थी। ऐसे ही कई और केसेस सामने आए हैं जिसके बाद मोहन यादव ने ये कहा है कि इसको सख्ती से लागू किया जाए। यहां तक कि गृह विभाग ने ये आदेश जारी किया था, अगर किसी के खेत या फिर घर के आसपास में बोरवेल है और खुला पाया जाता है और कोई बच्चा उसमें गिरता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसके खिलाफ FIR की जाएगी और जितना खर्च रेस्क्यू ऑपरेशन का आएगा उससे वसूला जाएगा। लेकिन ऐसा मध्य प्रदेश में कोई भी मामला नहीं आया कि किसी पे FIR हो या फिर उससे खर्च की वसूली की जाए, क्योंकि लाखों रुपए लग जाते हैं जब कोई रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अगर बच्चे की जान बच जाती है या फिर मौत हो जाती है तो ये जो खर्च है वो संबंधित जमीन के मालिक से वसूला जाए। लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी केस नहीं आया है जिसमें सरकार ने इतना सख्त फैसला लिया हो, जबकि इसके लिए अधिसूचना बाकायदा गृह विभाग की तरफ से जारी कर दी गई थी। बिल्कुल, लेकिन नियम बनते तो हैं और उनका अगर पालन ही ना हो तो फिर ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, आती रहेंगी सामने। बहुत शुक्रिया विवेक जानकारी के लिए। तो देखिए, मोहन कैबिनेट की पहली बैठक जब हुई कई अहम निर्णय हुए और अभी भी ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि अभियान चलाकर जो खुले बोरवेल हैं उन्हें बंद किया जाए, इस पर अभियान चलाया जाए।